हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पीवाईक्यू आप लोग को पढ़ाएंगे, जिसमें कि ये इस पार्ट में सिर्फ एमसीक्यू रहेगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा, फिर लॉन्ग आंसर टाइप का एक क्वेश्चन एक वीडियो आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों को मैच करवाना है, लीडर को और उनके रोल। कौन कौन सा होगा देखते हैं। विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो थे वो इटली के किंग नॉमिनेट किए गए थे, प्रोक्लेम किए गए थे। और ग्यूसेपी मज़िनी जो थे उन्होंने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ग्यूसेपी गैरिबाल्डी जो थे, ग्यूसेपी गैरिबाल्डी, वो कॉन्क्वायर्ड द किंगडम ऑफ टू सेल्सिस। और काउंट कैबोर चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंसर द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको ऑर्डर बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा उसके बाद हुआ था, फिर कौन सा उसके बाद हुआ था, उसके बाद कौन सा। सबसे पहले नेपोलियनिक वार हुआ था, फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फिर स्लेव नेशनलिज्म, ऑटमन एम्पायर। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है, एक बार 2023 में भी पूछा जा चुका है और एक बार 2024 में। तो आप लोग इसके डेट्स भी याद कर लीजिएगा कब कब हुआ था, और इसको भी याद कर लीजिएगा ऑर्डर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में किस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of governments were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? Napoleon के हारने के बाद यूरोप में कैसी गवर्नमेंट थी, कौन से लोग थे जो गवर्नमेंट को चला रहे थे। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1815 के बाद, और 1815 के पहले तो नेपोलियन खुद चला रहा था सारी चीज़ों को फ्रांस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। नेपोलियन को किस कंट्री ने हराया था, किन किन कंट्री ने मिलकर हराया था। तो ब्रिटेन, सबसे पहले ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, ये चार कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू पे हराया था 1815 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following events marked the first liberalist nationalist upheaval in Europe? तो सबसे पहला इवेंट यूरोप का कौन सा था जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से लिबरलिज्म आया, नेशनलिज्म आया। तो पहली कंट्री थी यूरोप की फ्रांस, सबसे पहले यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसके बाद हर जगह पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। सातवां क्वेश्चन देखिए। Who among the following remarked when France sneezes the rest of Europe catches cold? ये वर्ड किसने कहा था, ये सेंटेंस किसने कहा था, when France sneezes the rest of Europe catches cold? तो मैटरनिक ने ये कहा था ये सेंटेंस। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the architect for the unification of Germany? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के आर्किटेक्ट कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैड साउट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम टू यूनाइट द इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830? तो सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी कि इटली को आज़ाद कराना है, इटली को इंडिपेंडेंट कराना है, इटली को रिपब्लिक बनाना है। तो सबसे पहले ग्यूसेपी मज़िनी ने यह आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Who among the following was proclaimed
किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? तो विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 1861 यूनाइटेड इटली का जो किंग था वो विक्टर इमैनुअल सेकंड को चूज किया गया था। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। असर्शन पढ़ते हैं पहले। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन इट्स पीपल। जब रशिया का डोमिनेंस था पोलैंड पर, तब रशियन लैंग्वेज पोलिश लोगों से बुलवाया जाता था, कि जबरी कहा जाता था उनसे कि आप बोलिए, आप रशियन लैंग्वेज बोलिए, आपको पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलना है। और उसके बाद क्या होता है, द यूज ऑफ पोलिश सून केम टू बी अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तब जो पोलिश लैंग्वेज था, जो पोलिश कल्चर था, जो पोलिश के लोग थे पोलैंड के, वो एक सिंबल बना किसके लिए, स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस के लिए। जो रशिया की डोमिनेंसी थी, जो रशिया राज कर रहा था उनके ऊपर, तो उसके लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। किसकी वजह से, पोलिश लैंग्वेज की वजह से, पोलिश कल्चर की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से आपको सही बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें सही है एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर। 1848 में कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट की गई थी और कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी, कैसे रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उन चीज़ों को बताना है। तो ये तीन आपका सही है। फर्स्ट, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। इसके दो क्वेश्चन आएंगे, असर्शन और रीजन के आपके दो क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन, वीवर इन सिलिसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1848। जो सिलिसिया के जो वीवर्स थे, बुनाई करने वाले जो लोग थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स हैड रिड्यूस्ड देयर पेमेंट, और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने रिड्यूस किया। तो असर्शन रीजन में ये कह रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं जिसकी वजह से जर्मनी स्ट्रांग बन रहा था। तो कौन कौन से वो मेन रीज़न कौन कौन से हैं। मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज कर रहा था, बैंकिंग की वजह से और लीगल सिस्टम की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस।
तो कौन सा ऐसा इटालियन स्टेट था जो कि इटालियन प्रिंस द्वारा चलाया जा रहा था? तो सार्डिनिया पिडिमोंट था, बाकी इटली के सारे स्टेट पर अदर अदर लोग राज कर रहे थे अदर अदर एम्पायर के, लेकिन जो सार्डिनिया पिडिमोंट इटली का जो पार्ट था वहाँ पे इटालियन प्रिंस था। तो यही पूछना चाह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवोर एमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है? काउंट कैवोर का। काउंट कैवोर जो कि चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ गए थे? इटली के चीफ मिनिस्टर थे जब इटली यूनिफाइड नहीं था तब। तो इसका ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमैट। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, ये गलत है। ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए असर्शन, टू स्टेटमेंट आर गिवेन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल, एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन आपका सही है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच एमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 19th century। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु एमंग द फॉलोइंग सेड द पॉपुलर लाइन। ये पॉपुलर लाइन किसके द्वारा बोला गया है? ये क्वेश्चन अभी आप पीछे पढ़े हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो ये आप जानते ही हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन था यूरोप का, यूरोप का क्या हर जगह का, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रिवॉल्यूशन माना जाता है फ्रांस का। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।